हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी मोहरी क्यों घूमती है, या आपका ट्राउज़र बैठते टाइम पीछे से नीचे क्यों हो जाता है, या मोहरी से आपका ट्राउज़र ऊपर की तरफ क्यों उचकता है, या आसन में खिंचाव क्यों आता है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को फुल पोस्ट करें तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 37 इंच है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच फोल्ड के लिए छोड़ा है, यहाँ पर हमने बॉटम फोल्ड के लिए 2 इंच। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड किया है। ये किनारी साइड अपनी तरफ है, ये किनारी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस किनारी से अलग ही हम नाप रखेंगे। अगर आपने किनारी ले ली तो आपका जो मोहरी है वो ऊपर की तरफ उचकेगी। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी किनारी आपको नहीं लेनी है। उसके बाद 2 इंच नीचे छोड़ा है हमने बॉटम के लिए। उसके बाद हमने 37 इंच हमारी लेंथ है, यहाँ पर लेंथ है हमारी, उससे हमें 1 इंच कम यानी 36 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच जो छोड़ा है वो ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा है, तो हमने यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगाया है लेंथ का। तो फ्रेंड्स, ये निशान हम किनारी की तरफ लगाने, किनारी हमें नाप में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो हिप का जो साइज़ है वो 34 है, तो उसमें हम 4 प्लस करेंगे। आपका कोई भी हिप का साइज उसमें आपको 4 इंच प्लस करना है, यानी कि हो गया 38 इंच। तो उस 38 इंच का 1/4 हमें यहाँ पर नाप लगाना है, तो आएगा हमारा 9.5 इंच। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाप है आपको उसमें 4 इंच प्लस करके उसके बाद 1/4 का यहाँ पर नाप लगाना है। तो यहाँ देख सकते हो हमने नाप लगाया 9.5 इंच का। फिर इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच डाउन करना है। आपको ये डाउन करना है, वरना आपका ट्राउज़र जो पीछे से नीचे खींचता है, इसलिए खींचता है कि आप यहाँ पर सीधा रखते हो। यहाँ से यहाँ पर 1 इंच हमने डाउन किया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट साइड का पर्थ है, 1 इंच हमने ये डाउन कर लिया। आसन के निशान हमें किस तरीके से लगाना है वो हम आपको बताएंगे। तो इसका आसन रहेगा हमारा 13 इंच पर। अब 13 इंच पर हमने किस तरीके से निशान लगाया है, आपका जो भी नाप हो, जैसे कि हमारा हिप का जो साइज़ था 34 इंच, तो उसका हमने 1/3 लिया है, तो वो आया हमारा 11.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 2 इंच इसमें प्लस करना है। इस तरीके से रख सकते हैं आप, 11 इंच इस तरीके से रखा हमने और उसमें 2 इंच हमने प्लस किया, तो ये आ गया हमारे यहाँ पर 13 इंच। 13.5 इंच पर आसन का निशान लगेगा। आपको जो भी हिप का साइज़ हो उसका 1/3 करके उसमें 2 इंच आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 इंच नीचे की तरफ इसमें और प्लस किया, यानी टोटल 13 इंच पर आसन रखा है। तो जो हमारा बेल्ट का नाप है ऊपर 9.5 पर, वही हम नीचे लगाएंगे 9.5 इंच पर निशान सीधा। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थाई पर हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा आगे की तरफ निशान लगाने हैं आसन के लिए। यहाँ पर फिर हमने आसन की गोलाई की है, और यहाँ से हम इसका बीच का हिस्सा नापेंगे। यहाँ पर 9.5 था, तो उसका हाफ हमने ले लिया है, जिससे कि हमारा आएगा 4.25 इंच। तो इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर यानी किनारी भी नाप रही हूँ मैं, तो 5.5 इंच आएगा। किनारी छोड़कर नापोगे तो 4.25 इंच आएगा। हाफ इंच हमारी किनारी है जो कटिंग में जाएगी। तो मैंने यहाँ नीचे की तरफ पूरा नाप लिया है 5.5 इंच का। इस तरीके से एक फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे नाप लिख दिए हैं, क्लियर चौक नहीं दिख रही है। तो निशान से 3 इंच इधर और 3 इंच उधर, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे दोनों तरफ। यानी 6 इंच की मोहरी है जो हमारे बीच का निशान है, दोनों तरफ 3-3 इंच का निशान लगाया है। और नीचे की तरफ 2 इंच फोल्ड होने के लिए निशान लगा रहे हैं। ये बॉटम फोल्ड है, नीचे 6 इंच की हमने मोहरी रखी है। उसके बाद इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इस निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ को इंची टेप रखना है और इन निशानों को भी मिलाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से निशान मिलाओगे, बिल्कुल भी आपको किनारी नहीं लेनी है, तो आपका ट्राउज़र साइड से उचकेगा नहीं। देख सकते हैं मैंने इस तरीके से निशान लगाया। अब यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे। ये साइड वाला जो निशान है, यहाँ देखिए आसन के निशान, मोहरी के निशान तक इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक दूसरे के से सारे निशानों को मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे जो नाप है जो भी है इसमें लिख दिया है, क्योंकि क्लियर आपको चौक नहीं दिखेगी, क्योंकि चौक का कलर थोड़ा कम आया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिए हैं। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटना है नीचे से। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले निशान पर हम कटिंग करेंगे। फ्रंट पर्थ के हमारे निशान बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसके आसन की कटिंग की है
और हम बैक पर किस तरीके से कटिंग करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने किनारी पूरी निकाल दी है, ऊपर तक किनारी हमने इसमें नहीं ली है। तो देखिए फ्रंट साइड का पर्थ हमने नीचे से एक्स्ट्रा क्यों रखा था, जब हमने ये फोल्ड किया है तो ऊपर साइड से बिल्कुल बराबर आया है। अगर आप सीधा काट दोगे तो ऊपर की साइड फोल्ड करोगे तो वो हमारा कपड़ा फोल्ड करने में कम रहेगा। तो ये देख सकते हो किनारी साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड किया है और फ्रंट साइड का जो पर्थ हमने कटिंग किया है वो यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। इसके ऊपर हम रख लेंगे बैक साइड के पर्थ की कटिंग के लिए। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से रख लिया है और यहाँ पर हमने साइड से कपड़े को इतना ज़रूर छोड़ना है। आप कपड़े को सीधा बिल्कुल भी मत रखना, अगर आप सीधा रखोगे तो आपकी मोहरी घूमेगी। अगर आप यहाँ से कपड़े को सीधा रखोगे तो मोहरी ज़रूर घूमेगी, अगर आप इस तरीके से रखोगे 3 इंच का गैप करते हुए तो मोहरी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। बैक साइड में हमने यहाँ से हिप का जो साइज़ है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप बैठोगे तो आपका ट्राउज़र बिल्कुल भी बैक साइड से नीचे नहीं होगा, इसलिए आपको ये निशान 1 इंच एक्स्ट्रा ही लगाना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। तो यहाँ पर हम 2-2 इंच के एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे आसन तक। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं, अब इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये निशान मिला दिए, अब इसी तरीके से हमने नीचे की तरफ 2-2 इंच के एक्स्ट्रा निशान लगाने हैं। यहाँ पर 1 इंच का लगाया था और उसके बाद हमने नीचे की तरफ सारा नीचे तक 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। यहाँ पर भी हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं। साइड में बैक साइड का जो पर्थ है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ही कटता है साइड से, और ऊपर साइड से जो इसकी बेल्ट है वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कटेगा। अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है तो आप वहाँ पर 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो बेल्ट की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने साइड के निशान लगा लिए हैं, अब इसी निशान पर फ्रेंड्स हम कर देंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ बताएँ, मैं आपको उसी की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। ये देख सकते हो यहाँ पर हमने पैंट कट ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।